कृष्ण यादव, स्वागत है आपका खबर पहाड़ में। खबर पहाड़ की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अंकिता भंडारी हत्या की तफ्तीश में जुटी एसआईटी जांच अब सवालों के घेरे में है। हत्याकांड के खुलासे के वक्त ही मौजूद सबूतों के आधार पर एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। मामले में संदिग्ध सस्पेंड राजस्व प्रेक्षक पटवारी बाबू प्रताप की भूमिका की जांच को लेकर एसआईटी गंभीर नहीं है, जबकि अगर गंभीरता से जांच की जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए डीआईजी पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी का गठन मामले के हर पहलू को उजागर करने के लिए किया था। बावजूद इसके एसआईटी अभी तक जांच में हत्याकांड में पहले से ही उपलब्ध सबूतों के इतर कुछ नया खुलासा नहीं कर पाई है। गौर करने वाली बात यह है कि वारदात में संदिग्ध पटवारी वैभव प्रताप की जांच तो दूर, एसआईटी उसका नाम तक सुनने को तैयार नहीं है, जबकि खुद पौड़ी जिले के कलेक्ट्रेट विजय कुमार जोगदंडे पटवारी के छुट्टी पर होने के बावजूद न सिर्फ उसे सस्पेंड कर चुके हैं बल्कि पटवारी वैभव के खिलाफ जांच तक बैठा दी गई है। सूत्रों की माने तो हत्याकांड में सस्पेंड पटवारी का किरदार काफी अहम है। पूछताछ में उससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बावजूद इसके एसआईटी ने जांच का दायरा सिर्फ मुख्य आरोपी तक ही सीमित रखा है। वनंतरा रिजॉर्ट पर चले बुलडोजर को लेकर भी एसआईटी में शामिल अफसर बचाव के मूड में नजर आ रहे हैं। हर दफा यही दावा है कि पहले से ही तमाम साक्ष्य सुरक्षित हैं। बावजूद रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने के बाद भी घंटों एफएसएल टीम के साथ एसआईटी की तफ्तीश समझ से परे है। रिजॉर्ट में वेश्यावृत्ति कराने के लिए अंकिता पर दबाव के एंगल की भी जांच पर खामोशी बरकरार है, जबकि पुलिस के शुरुआती खुलासे में इसका जिक्र किया गया था। वहीं अगर बात आरोपियों की करें तो उनकी रिमांड के लिए अदालत में आवेदन करने में भी एसआईटी की दिलचस्पी नहीं नजर आ रही है। नहीं नहीं, पटवारी का कोई इसमें अभी तक कोई फिलहाल कोई हमारे पास कोई मैम रिजॉर्ट से कुछ अपडेट या फिर कोई और लड़कियों की डिटेल वगैरह मिली हो पहले ऐसे केसेस उन्होंने किया? यहाँ पर पहले कुछ महिला ने काम किया है उनके बारे में हमारे पास मैम मोटरसाइकिल और स्कूटी सीज कर ली है। कुछ चार पांच महिलाओं पहले यहाँ पर काम किया है वो बट यहाँ से छोड़ चुके हैं। ऐसे इंसिडेंट हुआ मैम उन लड़कियों के साथ भी? क्या नहीं, अभी उनसे हम बयान लेंगे, हम उनके बयान लेने वाला है। शेखर सुआल की प्रेस वार्ता में साक्ष्य उपलब्ध होने के साथ सोशल मीडिया में वायरल जानकारियों और वीडियो का खंडन भी सवालों में है। जाहिर है कि एसआईटी कुछ सबूतों के साथ तय वक्त में चार्जशीट अदालत में दाखिल करने को ही प्राथमिकता मान बैठी है। इसमें भी जारी है, सारे एंगल खुले हुए हैं, जिसकी भी किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता है वो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। चीजें चूंकि 1-to-1 चल रही हैं, इतनी जल्दी इतना बड़ा केस है। पहले से ही गिरफ्तार आरोपियों के अलावा एसआईटी में कोई नया खुलासा अब तक नहीं किया है, जिससे एसआईटी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला